दोस्तों देखिए, आपको हमने नेक्स्ट वीडियो में सूट काटना सिखाया था और अब हम आपको बाजू काटना सिखा रहे हैं। ये हमारी डिज़ाइन वाली बाजू, जैसे ये प्रिंट है इनका, वो पूरी बाजू हमने ये कपड़े में से निकाली हुई थी। अब इसको हमने ऐसे डबल करके इनके फूल ऐसे ऊपर जा रहे हैं और पीछे से भी देखिए ये ऐसे ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हमने ये बाजू ऐसे डबल करके रख ली है। इनका बाइसेप है, हमने बाइसेप नापा था जो वो है 10.5 इंच का, इसमें हमने 3 प्लस कर दिए तो 13.5 हो गए। अब 13.5 का हमने आधा रखना है, जो हम इसको बाजू को देखिए जोड़ाएगा, इसमें हमने ये ऐसे सीधा करा, 13.5 का हमारा बनता है। देखिए दोस्तों, हम इंची टेप से दिखाते हैं, ये हमारा 13.5 है, 13.5 को हमने ऐसे इंची टेप फोल्ड करके रखा तो ये देखिए हमारा ये आया 7.25, यानी कि 6 इंच हमारी ये लंबाई है और उसके अंदर ये हमारा 6 पॉइंट हमारा ये आ रहा है। हम इसको देखो ऐसे रख के देखेंगे जी हमारा कहाँ आ रहा है, 7.25 पे हमने यहाँ रखा तो ये लंबाई हमारी छोटी पड़ रही। देखिए चौड़ाई हम पहले नाप कर देखेंगे ये हमारा क्या किस हिसाब से मेज़रमेंट बैठ रहा है। ये देखिए हमारा प्रॉपर अब आ रहा है हमारा मेज़रमेंट। अब हमने इसको सीधा प्रेस लगा, देखिए हमने ये 4 लड़ा में ये रख लिया है कपड़े को। ये हमारी बाजू छोटी निकलती इसलिए जोड़ तो इसमें लगना ही है, चाहे कितना भी हल्का साइज है। इसको हमने इस तरीके से इसके ऊपर लगा दिया, ये भी 4 तय करके रखा हुआ है। इसकी लंबाई है बाजू की, इनकी बाजू की लंबाई है 10.5। ये हम 11 रखेंगे। ये देखिए हमारा पट्टा मोड़ने के लिए है, हमने 11 इंच पे ये निशान रखा है, इसको हमने सीधा कर दिया। इनका बाइसेप का निशान है जो ये लेंथ 3.5 पे, ये भी हमने सीधा कर दिया और ये 11 पे तो निशान हमारा है सीधा। इन निशानों को भी हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा सीधा हो गया निशान। हमारा बाइसेप था 13.5, जिसका हमें आधा करना है 7.25। ये देखिए हमने 7.25 पे रख लिया इंची टेप और ये हमारा है निशान, और हमें 2 इंच का मार्जिन देना। इनकी मोरी का निशान है 9.5, जो 9.5 का आधा होएगा हमारा 5.25। ये हमारा आ गया 5.25 पे निशान और 2 इंच हमारा मार्जिन, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा निशान आ गया सीधा और ये हमारा मार्जिन का निशान। इसकी गोलाई देते हुए हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बाजू कट चुकी है, ये हमने सीधा कर दिया निशान और ये हमारे फिटिंग का निशान। ये जब हम बाजू सिलेंगे तो यहाँ पहले जोड़ लगाएंगे, फिर हम इसकी अंदर की गोलाई देंगे। जो अंदर की गोलाई है वो 1/2 इंच की है। इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।